इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कल जो रिजल्ट आया था जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, उस रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी आई है, तो उस फाइनल आंसर की में किस किस क्वेश्चन में बदलाव हुआ है उसके बारे में इसमें चर्चा करूंगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। क्योंकि आपको मालूम होगा रिजल्ट में जो आपको शो हो रहे थे डिलीट क्वेश्चन, वो आपके पास जो पेपर है उसको अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, और जो फाइनल आंसर की में डिलीट क्वेश्चन शो हो रहे वो जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया मास्टर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो बहुत स्टूडेंट डाउट में फंस गए, यानी कि वे कंफ्यूज हो गए हैं कि अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो में मैं उसी की चर्चा करूंगा कि कल जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी हुई है उसमें कितना बदलाव हुआ है जो प्राइमरी आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ फाइनल आंसर की, इसमें अब मैं बताने जा रहा हूँ वे क्वेश्चन जिनके आंसर में अब बदलाव हुआ, चाहे वो डिलीट हुआ हो चाहे आंसर में चेंज हुआ हो, सभी की चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वे स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोल नंबर शो हो रहा है, जो कल लिस्ट हुई उसमें जिनका भी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा इसके लिए अलग से बोर्ड द्वारा अपडेट दी जाएगी, और जब भी ये अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और वीडियो को अब लास्ट तक बिना स्किप किए कम्प्लीट देखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके पेपर फर्स्ट की। आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर परीक्षा का नाम कनिष्ठ लेखाकार राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 प्रथम प्रश्न पत्र 44 कोड है, और ये जो आपको प्रश्न देखना है वो जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखना है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। जब कल रिजल्ट आया था उसमें जब शो हो रहे थे डिलीट क्वेश्चन वो आपके अकॉर्डिंग देखना जो आपके पास पेपर है, क्योंकि उनमें संकेत भी दे रखे थे। हर पेपर के टोटल 12 सैंपल होते हैं, यानी कि एक पेपर के 12 सेट बनते हैं अलग अलग, तो आपका कौन सा सेट था वो आगे उसमें सैंपल भी दे रखा था, उस सैंपल के अकॉर्डिंग ही आपको देखना था कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। अब मास्टर पेपर में वापस से क्वेश्चन ऊपर नीचे, इसलिए अब वापस से आपको देखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस आप मास्टर पेपर डाउनलोड कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ वो आप स्टेप फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर फर्स्ट में आपके कितने क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डिलीट हुए हैं। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि जब पहला आंसर की आई थी बोर्ड के एग्जाम होने के बाद प्राइमरी आंसर की आई थी, उसमें आपका जो क्वेश्चन है इसके 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बोर्ड द्वारा बी बताया गया है, और जिसे अब डिलीट कर दिया गया, पहले बताया था बी अब डिलीट कर दिया है, यानी कि जिनके पहले बी जिन्होंने ओएमआर शीट में गोला भरा था और उन्होंने जब आंसर में मिलान किया था तब सही था, अब ये क्वेश्चन डिलीट में जा चुका है, तो अब उनका क्वेश्चन ये है ना तो सही में गिना जाएगा ना ही रॉन्ग में गिना जाएगा, क्वेश्चन हो गया डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, फिर बात करूँगा आगे सेकेंड पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में जो 26 नंबर का क्वेश्चन है इसमें जो आपके प्रारंभिक आंसर की आई थी उसमें आपका इसका आंसर ए था, अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीट कर दिया गया था, यानी कि जिन्होंने भी ओएमआर शीट में ए भरा था उनका सही था, लेकिन अब ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, प्रारंभिक आंसर की आई थी उसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी था, अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने ओएमआर शीट में सी भरा था उन सबका सही था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है डिलीट। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, पहले पेपर में क्वेश्चन नंबर 30 जो बोर्ड की मास्टर पेपर अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो इसमें जो पहले आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर था आपका सी, अब जो फाइनल आंसर की आई है इसमें इस क्वेश्चन को कर दिया गया डिलीट, यानी कि जिन्होंने ओएमआर शीट में ऑप्शन सी भरा था उन सबका सही था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है डिलीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54,
54 क्वेश्चन में पहले जो इसका आंसर बोर्ड द्वारा बताया गया था वो ए बताया गया था प्रारंभिक आंसर की में। अब जो फाइनल आंसर किया इसमें आंसर चेंज किया है, ये डिलीट नहीं हुआ, बदलाव किया गया इसमें। अब आंसर है वो क्या कर दिया गया है, ए कर दिया गया, सॉरी पहले आपका अब डी कर दिया गया, पहले ए था अब क्या कर दिया गया है, डी कर दिया गया है। यानी कि पहले जिन्होंने डी भरा था उन्होंने किया था गलत, लेकिन अब उनका हो रहा है ये सही। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पहले जिन्होंने बोर्ड द्वारा आंसर की निकाली गई थी उसमें इसका आंसर था बी, और अब बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जिनके भी बी भरा हुआ था वो पहले सही था, अब इस क्वेश्चन को कर दिया गया है डिलीट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन के आंसर में भी बदलाव किया गया है। यानी कि पहले इसका आंसर बोर्ड द्वारा ए बताया गया था जो अभी बदलाव कर दिया गया, अब इसका जो फाइनल आंसर है वो सी को राइट माना गया है। जिन्होंने भी पहले सी भरा था उन सब का क्वेश्चन अब ये सही हो चुका है, और जिन्होंने पहले ए भरा था उन सब का अभी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड द्वारा ए बताया गया था, जिन्होंने ए भरा था उन सबका सही था, लेकिन अब बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आता है 98। अभी तक मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, आगे पेपर सेकंड की बात करूँगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 98 क्वेश्चन की बात करें तो पहले इसका आंसर बोर्ड द्वारा बताया गया था बी, और अब इसका आंसर बोर्ड ने चेंज कर दिया है, अब जो इसका आंसर है वो आपका हो गया है ए। यानी कि जिन्होंने ए भरा था पहले उनका रॉन्ग हुआ था, अब उनका राइट हो चुका है ये क्वेश्चन। 98 नंबर के क्वेश्चन का फाइनल आंसर ए माना गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 को पहले आंसर बोर्ड द्वारा सी माना गया था, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जिन्होंने भी सी भरा था पहले सही था, अब ये क्वेश्चन हो चुका है डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन की बात करें तो 118 नंबर का क्वेश्चन का पहले जो आंसर बोर्ड द्वारा माना गया था वह सी माना गया था, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जिन्होंने सी भरा था उनका सबका सही था, अब उन सबका क्वेश्चन ये क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। पेपर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो कि बदलाव हुआ वो है क्वेश्चन नंबर 123 में बोर्ड द्वारा पहले इसका आंसर है वो डी माना गया था, अब इस क्वेश्चन के आंसर को चेंज करके डिलीट कर दिया गया है। यानी कि डी भरा था जिन्होंने उनका सही था, लेकिन अब ये क्वेश्चन डिलीट में जा चुका है। तो पेपर फर्स्ट की बात करें इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ है। टोटल 12 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है फाइनल आंसर की में पेपर फर्स्ट की। अब बात करूंगा पेपर सेकंड की। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अलग से अपडेट बोर्ड द्वारा दी जाएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करूंगा पेपर सेकंड में कितना बदलाव किया गया है। पेपर सेकंड की आंसर की बात करें तो आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये फाइनल आंसर की पेपर सेकंड की है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं फिर से बता देता हूं, आप जो चेक कर रहे हो वो क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया उसके अकॉर्डिंग देखना है, और कल जो रिजल्ट में आपको बताया गया डिलीट क्वेश्चनों की संख्या और डिलीट क्वेश्चन कौन कौन से वो अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो पेपर है उससे मिलान करना होगा। दोनों में ये बात आप ध्यान रखना, कहीं गलती ना कर बैठे। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोर्ड द्वारा पहले इसका आंसर सी माना गया था, जिसे अभी बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 35 नंबर का क्वेश्चन। यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा पहले इसका जो आंसर है वो ए माना गया था, अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। 35 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बोर्ड द्वारा पहले जो आंसर किया आई थी
उसमें इसका आंसर डी माना था। अब इस क्वेश्चन के आंसर को डिलीट कर दिया गया, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि जिन्होंने डी भरा था पहले उनका सही था, अब डिलीट हो चुका है, उनको नुकसान हो रहा है, और जिन्होंने पहले इसका रॉन्ग किया था तो उनको अब फ़ायदा हो गया, नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही डिलीट हो चुका है, तो उनके रॉन्ग में ये काउंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहले जो इसका आंसर है वो बोर्ड द्वारा बी माना गया था, अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन के आंसर का डिलीट कर दिया है, क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका 99 नंबर का। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड द्वारा पहले इसका जो आंसर है वो सी माना गया था, अब इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। 99 के बाद 101 101 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको बोर्ड द्वारा पहले इसका आंसर बी माना गया था, लेकिन अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है 123 123 नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से 123 नंबर के क्वेश्चन में पहले जो इसका आंसर था वो डी था, अब इसे बोर्ड द्वारा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। 123 नंबर के बाद 124 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो पहले आंसर था वो सी था, अब इसका भी बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। 124 के बाद क्वेश्चन आता है 126 126 क्वेश्चन की बात करें तो 126 क्वेश्चन का आंसर पहले बोर्ड द्वारा इसका आंसर सी था, अब इस क्वेश्चन को भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। 126 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोर्ड द्वारा पहले माना गया था बी, अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 132 132 की बात करें तो पहले 132 क्वेश्चन का आंसर था बी, अब बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136 136 क्वेश्चन को पहले बोर्ड ने इसका आंसर माना था सी, अब इस क्वेश्चन को कर दिया गया है डिलीट। 136 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 143 143 को पहले बोर्ड द्वारा जो इसका आंसर है वो माना गया था ए, अब इस क्वेश्चन को आंसर को कर दिया गया है डिलीट, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। और पेपर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन का आंसर जिसमें बदलाव किया वो 146 है, जिसमें पहले आंसर डी था, अब इस क्वेश्चन को कर दिया है बोर्ड द्वारा डिलीट। तो पेपर सेकंड में देखा जाए तो डिलीट ही हुए क्वेश्चन है, आंसर में बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीट हुए डायरेक्ट। जैसे कि पेपर फर्स्ट में आपने देखा होगा 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आंसर में बदलाव हुआ, इस तरह से टोटल हुए 12। और पेपर सेकंड की बात करें तो टोटल ऐसे 14 क्वेश्चन हैं जिनमें फाइनल आंसर की में बदलाव हुआ, यानी कि 14 के 14 क्वेश्चन हैं वो डिलीट हुए हैं। इस तरह से टोटल 14 प्लस 12 देखें तो टोटल आपके 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें फाइनल आंसर की में बदलाव देखने को मिला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट जानी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, जैसे ही अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।